मुझे डेस्परेट सोल कहा। तुम खुद क्या हो? विदाउट योर फादर यू आर एब्सोल्युटली नथिंग। सिर्फ एक मामूली से फोटोग्राफर और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक मामूली सा फोटोग्राफर हूँ, इसलिए अपने हाथ जो है ना अपने काबू में रखो, वरना वरना क्या? वरना मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। ओके, मैं सिर्फ काम करने आया हूँ यहाँ पर। तुम छोड़ के जाओगे? तुम्हें क्या लगता है ये पार्टी रुक जाएगी? You're wrong, darling. मैं रोकती हूँ ये पार्टी, बल्कि सिर्फ ये पार्टी ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी रोक दूंगी। सालार, क्या कर रहे हो तुम? साहिबा, सालार हाथ छोड़ो मेरा। साहिबा, तुम्हारे दिमाग ठीक है? कोई है? साहिबा, पागल हो गई हो क्या यार? क्या कर रहे हो तुम? साहिबा, just stop it यार, what's wrong with you? पागल को तुमने अभी देखा ही कहाँ है? Help, सालार हाथ छोड़ो मेरा। साहिबा बस। Help, कोई है? सालार छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। Are you out? साहिबा। जयान, जयान। साहिबा। जयान। सालार ने Stop it, तुम झूठ बोल रही हो। साहिबा, ये क्या हाल बनाया है तुमने? कोमल, listen to me, ये झूठ बोल रही है। तुम मुकर रहे हो? हाँ, you talking about? यार ये मुझे फंसा रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने ऊपर बुलाया था। ऊपर? हाँ, ऊपर राइट से थर्ड रूम। ये जानबूझ के मुझे फंसा रही है। She's trapping me right now, bro. बस सालार, बस। कोई तुम्हारी बीवी से बात करे तो गलत, और तुम खुद कुछ भी करते फिरो। बस जयान, बहुत हो गया। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्यों? इज्जत क्या सिर्फ तुम लोगों की है, हम लोगों की नहीं? बोलो सनार, बोलो, बोलो। डोंट यू डेयर टच माय सन। क्यों अंकल? आपका बेटा किसी की भी इज्जत पे हाथ डाले और हम चुप रहे? वो किया क्या है मेरे बेटे ने? व्हाई आर यू डूइंग दिस? डैड, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ही इज लाइंग। अगर ये झूठ बोल रही है तो उसका ये हाल किसने किया है? ये इसने खुद किया अपने साथ। सितारा, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई प्रॉमिस। वो कर रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि सितारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। सितारा, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सालार, ये क्या कह रही है? जो कहा सलार, तुम उस बात से मुकर सकते हो, लेकिन जो तुमने किया है ना, उसके आई सब गवाए। गवाह तो ये सब इस बात के भी हैं कि तुम सलार को कितना चाहती हो। और इसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी तरह की प्लानिंग। प्लानिंग?
मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे पास गवाह हैं तो मेरे पास सबूत भी है। सबूत? कैसे सबूत? वही जो मैं पुलिस को दिखाऊंगी। और सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। चलो सलार। सुनो, तुम इस पर भरोसा कर रही हो? इस कैरेक्टरलेस इंसान पर? अगर इस पर भरोसा ना करती तो इस वक्त यहां ना खड़ी होती। चलो सर। इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोग ऐसे खामोशी से चले गए? यानी को किसी को मुझे बताने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई? आपके लिए रुकते तो वहां पता नहीं क्या हो जाता। अरे जाते हुए फोन ही कर देते। अब बाहर के लोगों की वजाहतें मैं देती फिरूं? सितारा, आप वो सबूत की बात कर रही थी, वहां आपको वही दिखा देने चाहिए थे उनको। अच्छा, आप सबूत मुझे दें, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। आपके पास सबूत है ना? नहीं। मैं तो यहां थी, मेरे पास कौन से सबूत होंगे? अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपने वहां क्यों कहा कि आपके पास सबूत है? तो क्या मैं इनको वहां बदनाम होने देती? तो
इसको बचाने के लिए तुमने झूठ बोल दिया। नहीं, मुझे यकीन है इन पे। ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसको उसके औकात याद दिलाना चाहती हूँ, और अगर तुम कोऑपरेट ना भी करो तो जो मैंने सोचा है वो तो मैं करके रहूंगी। After all, I'm also invited. लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाह रही हो, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा साथ दूं या ना दूं। वही करूंगी जो तुम्हारे साथ हुआ था। मतलब तुम उसे फंसाओगी? वो सालार है, सालार सिकंदर, इंडस्ट्रीज का मालिक, तुम उसे ट्रैप नहीं कर सकती हो। उस पार्टी में उसकी औकात एक पेट फोटोग्राफर से ज्यादा नहीं होगी, और वहां वो हमारे इशारों पर नाचेगा, और देखना कैसे मेरा वो एक इशारा उसके गुरूर और किरदार को मिट्टी में मिला देगा, और फिर सारी जिंदगी की बदनामी। तो मेरी क्या हेल्प चाहिए? गवाह तो ये सब इस बात के भी हैं कि तुम सलार को कितना चाहती हो, और इसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी तरह की प्लानिंग। प्लानिंग? मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे पास गवाह हैं तो मेरे पास सबूत भी है। सबूत? कैसे सबूत? वही जो मैं पुलिस को दिखाऊंगी। और सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। चलो सलार। सुनो, तुम इस पर भरोसा कर रही हो, इस कैरेक्टरलेस इंसान पर? अगर इस पर भरोसा ना करती तो इस वक्त यहां ना खड़ी होती। चलो सर। वो कौन से सबूत की बात कर रही थी? इस बारे में ज्यान के अलावा तो कोई नहीं जानता था। अभी वो सिर्फ गवाही दे सकता है जिसे मैं झुठला सकती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे वाकई खिलाफ हुआ तो वो मेरी कॉल रिकॉर्ड करके सबूत दे सकता है। अगर सच सामने आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो यहाँ ऐन वक्त पर आई कैसे? मैं क्या करूं? आखिर उसे ये खबर दे कौन रहा है? सरा सब कुछ ठीक है, परेशान ना हो तुम।
अगर सब ठीक था तो तुम इतना परेशान क्यों हो गई थी? और गई कहाँ थी? वो सलार के किसी दोस्त ने प्रैंक कर दिया था, तो बस इसीलिए फिक्रमंद हो गई थी थोड़ा। चलो ये तो अच्छा है, इसी बहाने मुझे ये तो पता चला कि तुम सलार भाई से कितनी मोहब्बत करती हो। तुमसे किसने कहा कि मैं सलार से मोहब्बत करती हूँ? तुम्हारे चेहरे से लगता है, शक्ल देखी थी तुमने अपनी, मरने वाली हालत हो गई थी। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ सलार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? कैसा सच? तुम्हें वाकई मुझ पे भरोसा है या? सिर्फ बदनामी से बचाने के लिए कर रही हो? आप मुझे ये बताएं कि साहिबा को हमारे बेडरूम की बात कैसे पता चली? सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैंने बताया होगा? हाँ तो फिर उसे किसने बताया सलार? मैंने नहीं यार, मैंने किसी को नहीं, कभी नहीं। किसी को तो बताई होगी ना सलार। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम फार्म हाउस कैसे पहुंची? हाँ मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पर क्या हो रहा है? फिलहाल आपके लिए जानना ये ज्यादा जरूरी है कि वो आपको बदनाम करके हासिल क्या करना चाहती थी। सलार, आई ट्रस्ट यू। शहजाद साहब का फोन आया था, वो शाम को रस्म करने आना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़े? अब तो पूरी उम्र नहीं छोड़ूंगा। सिंस शादी करना चाह, तुम प्लीज इस रिश्ते को इनकार कर दो। शादी तो उसकी अपने राशिद से ही होगी। निम्रा की शादी का कार्ड छप गया? अब भी आप यही कहेंगी कि तुम्हारी शादी निम्रा से ही होगी? हाँ। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि सितारा आपके बेटे के ऐबों पर पर्दा डाल कर लाई है, वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना होते हो। क्यों भाई, मेरा बेटा कोई सर्टिफाइड क्रिमिनल है या अब्यूजर है जो उसके ऐबों की बात कर रहे हैं आप? कम भी नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। खैर, आपको अपने बेटे पर, अपने खून पे जरा एतबार नहीं है? जो लड़का अपनी जरा सी बात मनवाने के लिए सितारा के मंगेतर को बाहर भिजवा सकता है, दूसरे को खरीद सकता है, उसकी बेचारी बीवी उस पर सिर्फ भरोसा ही कर सकती है ना, और क्या करे वो बेचारी? मैं इस बात की तह में जरूर जाऊंगा, पता करूंगा।
आज इसे इस पिंक ड्रेस में देखने के लिए बुलाया गया हूं। आपकी भतीजी मुझे दावत दे रही है और हाथ आप मेरा पकड़ रहे। तुमने मैसेज किया था सालार को? ये मानेगी नहीं कि इसने किया था। चौकन भाई मैंने मना किया था ना कि इसे मत लेके आए, लेकिन आप तो लेगा ना। मैंने मना किया था कि इसे लाने के लिए, लेके आए जिद करके। अच्छा, क्या पता था ये करेगी? हाँ, किया था मैंने मैसेज। मैंने ही मैसेजेस करके बुलाया था कि हाँ मेरा पिंक ड्रेस देखो आके। मेरी बात सुनो लड़की, तुम जैसी मामूली शक्ल की ना 10 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में। तुम सोने का ताज भी पहनकर आ जाओ ना, तब भी मोहब्बत नहीं करूंगा मैं तुमसे। पिंक ड्रेस पहनकर आई हूं। वो मुझसे कभी नफरत नहीं करती थी, बल्कि मुझे ये लगने लगा था कि उन्होंने मेरी वजह से सलार के साथ ज्यादती कर दी। अगर वो उसकी तरबियत पर मजीद ध्यान देती तो आज वो बहुत कामयाब इंसान होता। कामयाब इंसान तो वो अब भी है, है। तुम सालार से बहुत मोहब्बत करती हो ना? मोहब्बत का कामयाबी से क्या ताल्लुक? वो तो बेकार बदकार किसी भी शख्स से हो सकती है, लेकिन कामयाब इंसान वो होता है जो इंसानियत को दुश्मनी और रिश्तों से ऊपर रखे, और सालार बिल्कुल ही ऐसे। क्या मेरे घर जाने? तुम्हें अचानक से बैठे बैठाए मेरे घर जाने का ख्याल कहां से आ गया? अचानक से तो नहीं, मैं तो हमेशा से तुम्हारे घर जाना चाहती थी, लेकिन तुमने ही कभी जाने को नहीं बोला। मैं तो अभी नहीं कह रहा। तो फिर तुम पता नहीं क्यों? क्योंकि आज मुझे पता है कि तुम अपने दिल की सुनने के बाद अपने ही दिल पर पत्थर रख कर बैठे हुए। मतलब ये कि अब तुम्हें मजीद ब्रिज बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सालार ने कुछ कहा है? मैंने खुद सुना था, और अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया। वरना तुम मुझसे कभी कुछ कहते ही नहीं। तो यानी कि तुम मुझसे अपसेट हो? अपसेट नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे तुमसे शिकायत जरूर है। तुमने कभी उससे अपने दिल की बात ही शेयर नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा। क्या कहता? तुम्हारी और मेरी फैमिली के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। सब तुम चाहकर भी मेरी फैमिली में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। लाइफस्टाइल में डिफरेंस होने का मतलब ये थोड़ी है कि दिलों में भी डिफरेंस हो। देखो ज़बा, मैं तुम्हारे डैड को भी नाराज नहीं करना चाहता, वो पहले तुम्हारे फैसले से खुश नहीं। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। नहीं जुनैद,
तो मेरे डैड की फिक्र के चक्कर में। अपने बच्चे के साथ गलत मत करो यार। बच्चे के साथ तो और क्या, मुझसे तो तुम पसंदीदा बहू बनने का मौका छीन चुके हो। अब कम से कम हमारे बच्चे को अपने ददयाल का लाडला पोता या पोती तो बनने दो। हमारे बच्चे का हक बनता है कि वो अपने खानदान की परफेक्ट फैमिली पिक्चर का हिस्सा बने। सोच लो सबा, मेरे घर वालों से मिलने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले? तुम्हारी यही गलती है जुनैद। कि तुम उन्हें अपने घर वाले कहते हो जबकि वो मेरा भी ससुराल है। तुम उन्हें हमारे घर वाले भी कह सकते हो। हमारे घर वाले? हाँ ना, चलकर सबको एक तरफ एक साथ होने दो। तुम्हें ब्रिज बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सलार, सलार, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? उठें, अंदर आके सोएं। उठें, उठ जाएं। ना उठूं। जी जी खाला भी, घर की बात है, आप जब चाहें बारात ले आएं। हाँ तो ठीक है, मैं सुरैया से बात करके तुम्हें टाइम और दिन मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि काजी का बंदोबस्त हम खुद करें या आप लेकर आएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। काजी? काजी किसके लिए अम्मी? निमिका निकाह तय कर दिया है। तुम्हें अपनी कोई तैयारी करनी हो तो कर लो।
का? मम्मी बगैर तारीख तय किए निकाह? मैंने बात कर ली, मतलब कि तारीख पक्की हो गई। तुमने अगर कोई तैयारी करनी है तो कर लो। सलमान, हाँ? कार्ड छपवा लो और खानदान में बांट दो। खानदान वालों को बुलाकर तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही रुख्सती करा दें। क्या मतलब है तमाशा लगा रहे? शादी सबकी होती है। सबकी शादी कासिम से नहीं होती और ना ही इन हालात में। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो कार्ड्स बनवा लेते। बाय बाय।